So today we will start with strings in Java. So कोई भी programming language में आपके पास different data types होते हैं जिसमें से strings is also a data type जिसका purpose होता है to store collection of characters. ठीक है, तो अगर आपको string को define करना पड़े कभी भी तो string क्या होती है? String is a collection of characters. So when we say collection of characters, तो वहां पर ये जो कैरेक्टर्स हैं इसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है. इसमें आपका कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 एक्सेट्रा, जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं, कुछ भी एवरीथिंग कम्स इन अ स्ट्रिंग. सो जैसे कि आपको किसी का नाम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, ईमेल एड्रेस स्टोर करना है, किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सो दैट कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. तो उसको हम स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट में ले सकते हैं या असाइन करके स्टोर कर सकते हैं. सो आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए जावा में स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप भी प्रोवाइडेड है. दो इट्स नॉट अ कीवर्ड, इट्स अ प्रीडिफाइंड क्लास. तो हम स्ट्रिंग लिखते हैं और ये जो क्लास है स्ट्रिंग, ये डिफाइंड किस में है? आपके लैंग्वेज पैकेज में, जो कि बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेड होता है. तो java.lang तो बाय डिफॉल्ट ही इम्पोर्टेड होता है, आपको इसको अलग से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है, राइट? और इसके अंदर स्ट्रिंग नाम की क्लास है जिसको यूज करके आप अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो. जैसे कि मैंने लिखा स्ट्रिंग a इज इक्वल टू हेलो @123 कुछ भी. सो इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, इसमें स्पेशल सिंबल भी है, इसमें डिजिट्स भी हैं. इट कुड बी एनी कलेक्शन. पर स्ट्रिंग्स पे काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग क्लास ही नहीं होती. हम जब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. जावा प्रोवाइड्स यू टू डिफरेंट क्लासेस टू वर्क ऑन स्ट्रिंग्स. एक होती है स्ट्रिंग और एक क्लास होती है स्ट्रिंग बफर. ठीक है, अब इन दोनों से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स में फर्क क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग होती है इसे हम कहते हैं कि ये इम्यूटेबल है, और जो स्ट्रिंग बफर है वो म्यूटेबल है. तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरे वाले के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. उसका मतलब क्या है? देखो, म्यूटेशन का मतलब है मॉडिफिकेशन, चेंजेस होना. कोई चीज म्यूटेट होती है दैट मीन्स वो मॉडिफाई होती है. ठीक है, सो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. इसका मतलब है कि एक बार आपने इसमें कुछ स्टोर कर दिया, ठीक है, जैसे अगर आपने इसमें स्टोर कर दिया स्ट्रिंग a इज इक्वल टू हेलो. अब इससे होता क्या है कि मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होता है जिसके अंदर हेलो स्टोर होता है. ए आपका वेरिएबल है जिसमें उसका एड्रेस आ जाता है. ठीक है, अब अगर आप लेटर इसमें कभी चेंज भी करोगे कुछ, आप ए इज इक्वल टू बाय करोगे, तो वो जो चेंज है वो यहाँ नहीं होगा. ठीक है, ये जो 808 वाली लोकेशन है इसमें कोई चेंज नहीं होगा. आपके पास एक नई लोकेशन ही क्रिएट हो जाएगी बाय, जिसका कुछ भी एड्रेस होगा 2018, और ए में अब वो आ जाएगा. सो ए विल पॉइंट टू दिस लोकेशन रादर देन पॉइंटिंग टू दिस. पर जो एक बार मेमोरी एलोकेट हो गई थी उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी रेफर्ड बाय देयर इंडेक्स. हर लैंग्वेज में आप ऐसे कर सकते हो. A0 का मतलब है पहला लेटर. यहाँ पर कुछ असाइन करना चाहोगे नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट डू इन केस ऑफ स्ट्रिंग. लेकिन हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर में. ये म्यूटेबल है. अभी एग्जैक्टली कैसे बनता है, कैसे चेंजेस होते हैं, वो हम लेटर पढ़ेंगे. लेकिन इसमें क्या है कि वंस स्ट्रिंग इज स्टोर्ड एट अ लोकेशन, इट्स वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड. हम इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं हो सकती, स्ट्रिंग बफर हो सकती है. कैसे होती है, कैसे डिक्लेयर होती है, कैसे प्रोसेस होती है, वो हम करेंगे अगली क्लास में. बट अभी हम काम करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर कि जो स्ट्रिंग है उसमें एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो. देखो, स्ट्रिंग डिक्लेयर तो आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, राइट इसमें जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो हम असाइन कर सकते हैं. प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट तो हो ही जाएगा. इवन अगर आपको इसको इनपुट करना है सो आप इनपुट कर सकते हो स्कैनर की हेल्प से. ये असाइनमेंट है. अगर इनपुट करना होता तो क्या करते, नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते. सो sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखने से हम इसका इनपुट भी ले सकते हैं. सो नेक्स्ट लाइन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा रीड करता है। ठीक है, सो आई विल शो यू आपको कि ये किस तरह से काम करता है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर फिक्स ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग नेम और नेम के अंदर मैंने इनपुट कर दिया, इनपुट नहीं असाइन कर दिया अंजलि। फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println और मैंने प्रिंट करा दिया वेलकम कंकैटिनेटेड बाय नेम। ठीक है, सो मैंने वेलकम नेम और इसके पीछे यहाँ पे \n दे दिया। ठीक है, और दैट्स इट। इससे ऊपर नीचे अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो अपने आउटपुट को सुंदर बनाने के लिए, दैट इज अप टू यू। सो हम डबल कोट्स में जो भी चीज देते हैं वो एक्चुअली में क्या है, आपकी स्ट्रिंग है। तो यहाँ भी मैंने ये जो स्टार्स की लाइन भी दी है वो भी क्या है, एक स्ट्रिंग। आई एम टेलिंग कि दिस हैज टू बी प्रिंटेड, वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो इतना सा कोड मैंने किया, इसको मैं अब यहाँ रन करती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट में दिखा देगा वेलकम अंजलि। ठीक है, एक लाइन हमने एक्स्ट्रा दे दी, हटा देते हैं ताकि आउटपुट थोड़ा बेटर लगे। यहाँ पर एक \n एक्स्ट्रा दे देते हैं और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देते हैं, सो दैट इट लुक्स बेटर। सो अब ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, बट ये जो अंजलि है ये तो फिक्स्ड हो गया। मैं ये फिक्स नहीं चाहती, मैं यूजर से पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यूजर से पूछूं कि भाई बताओ नाम क्या है, जो नाम है वो फिर उसके बाद प्रिंट हो। ठीक है, तो अगर आप वो यूजर से पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यूजर को बताओगे कि भाई क्या इनपुट करना है आपको। तो मैंने उसको बोला कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर योर नेम, और वो नेम इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये फिक्स वैल्यू नहीं लेंगे, रादर हम अपने स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। तो sc = मतलब नेम = sc.nextLine। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। अब वो आपसे नेम पूछेगा, मैंने एंटर किया सौम्या, सो इट विल प्रिंट वेलकम सौम्या। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने इनपुट किया कुछ और, सो मैं जो भी इनपुट करूंगी इट इज गोइंग टू टेक दैट वैल्यू एंड प्रिंट इट। ठीक है, सो ये हो गया कि स्ट्रिंग को यूजर से हम लेते कैसे हैं। सो दिस इज हाउ अ स्ट्रिंग कैन बी टेकन फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब अगर आपने कभी कोई लैंग्वेज इससे पहले पढ़ी है, C++, पाइथन, तो उसमें क्या होता था कि a स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लगाओ तो आपको स्ट्रिंग का पहला लेटर मिल जाता था। अगर आप a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लगाओगे तो आपको स्ट्रिंग का सेकेंड लेटर मिल जाता था। ठीक है, एंड सो ऑन, और ऐसे आप एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को फेच कर सकते थे। पर यहाँ पर अगर आप ऐसा करना चाहो, अगर आप नेम 0 को प्रिंट करना चाहो, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा आपको। यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, देख रहे हो। सो क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट बी एन एरे टाइप बट इट रिजॉल्व टू बी अ स्ट्रिंग। कि भैया अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है तो एरे चाहिए, ये एरे नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो एरे नहीं है। इन अदर लैंग्वेजेस योर स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को उसके साथ यूज कर लेते थे। पर यहाँ पर वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये एक एरे नहीं है। सो जावा हैज प्रोवाइडेड यू अ फंक्शन फॉर दैट, और वो फंक्शन क्या है, कैर एट। आपने क्या लिखा, नेम डॉट कैर एट 0। ये इंडेक्स मैंने नहीं लिखा है, वो तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो अपने आप दिखाता है, VS कोड। ठीक है, बट अदरवाइज हमने क्या लिखा है, नेम डॉट कैर एट 0। इससे क्या होगा, आपके नेम में जो भी पहला लेटर है जो 0 पोजीशन पे होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। सो मुझे एंटर तो यहाँ करना है। सो वेलकम भारती, और ये बी देखो यहाँ पे नीचे अलग से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 0 पोजीशन पर है। अब यहाँ पर आप लूप भी लगा सकते हो, जिससे एक एक लेटर को फेच कर लो और उसको प्रिंट करा दो, है ना। अब मुझे क्या पता लेकिन कि लूप कितनी बार चलना चाहिए, वो उतनी बार चलना चाहिए जितने हमारे पास लेटर्स हैं। अब कितने लेटर्स हैं वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड लेंथ। सो आई कैन हैव अ फंक्शन जिसका नाम है लेंथ, और वो लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। सो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो i = 0, i < नेम डॉट लेंथ। सो आप ये लूप लगाओ या कहीं पे भी अगर आप लेंथ फंक्शन को कॉल करते हो तो स्ट्रिंग के नाम के साथ अगर मैं लेंथ फंक्शन को कॉल करती हूँ वो मुझे बताएगा कि मेरी स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट्स या कितने कैरेक्टर्स हैं। सो नॉट एग्जैक्टली अल्फाबेट्स बट कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, आपके अल्फाबेट्स डिजिट स्पेशल सिंबल सब इंक्लूडेड होंगे। तो कितने आपके पास लेटर्स कितने कैरेक्टर्स हैं वो आपके पास आ जाएगा। फिर लूप चलेगा, जैसे मान लो उसके अंदर मेरा नाम है अगर तो 6 लेटर्स है, ठीक है, या कुछ और आपने लिया है अंजलि A123 लिया है तो 9 लेटर्स हो गए। तो सबसे पहले क्या होगा, I 0 है, I <9 है, ठीक है, अंदर आएगा। 0 पोजिशन पे है A वो शो हो जाएगा, फिर 1 पोजिशन पे जो है वो शो हो जाएगा, फिर 2 पोजिशन वाला, फिर 3 पोजिशन वाला एंड सो ऑन जब तक हम लास्ट पोजिशन तक नहीं पहुंच जाते। सो अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो वो मुझसे एक नेम पूछेगा। यहाँ पर मैंने नेम एंटर किया आरव। सो आप देख रहे हो AARAV, राइट। सो इट इज शोइंग एवरी अल्फाबेट ऑन अ सेपरेट लाइन। तो एक एक करके सारे अल्फाबेट्स जो हैं आपके वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो इट शोइंग ऑल ऑफ देम वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। सो यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस देखे अभी, एक लेंथ जो कि आपको ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स हैं, और एक कैरेट जो आपको ये बताता है कि आपके पास इंडिविजुअल पोजीशंस पर क्या कैरेक्टर्स हैं। तो आपके पास स्ट्रिंग में कुछ भी हो, ठीक है, व्हाटएवर वी हैव, ए डॉट लेंथ जो है ये क्या करता है, इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग the number of characters in the string, ठीक है। और जो आपके पास char at है इसमें हम index देंगे, we have to give a position, और ये क्या करेगा, returns the character at given index, that is the position from the string। और इन केस आपने एक ऐसा इंडेक्स या पोजीशन दे दी जो कि है ही नहीं तो एरर जनरेट हो जाएगा। सो इफ देयर इज नो पोजीशन, मैं यहाँ पे इंडेक्स 7 दे देती हूँ जो कि है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल गिव मी एरर फॉर दैट, क्योंकि उसको नहीं पता 7 इंडेक्स कहाँ पर है, राइट। सो लाइकवाइज वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस जो आप स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज कर सकते हो, एंड उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अभी स्ट्रिंग में देखा कि आप स्ट्रिंग इनपुट करा के लेंथ निकाल सकते हो, इंडिविजुअल कैरेक्टर देख सकते हो। नाउ इफ आई हैव टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट, मान लो मैं लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रही हूँ, तो कोई यूजर नेम हमारे पास फिक्स्ड होगा, कोई पासवर्ड होगा जिसके साथ हम मैच करना चाहते हैं कि मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप डबल इक्वल टू से कंपेयर करोगे तो आप नहीं मैच कर पाओगे, ठीक है। सो कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, सो अगर आपको 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो वो इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन साइन से नहीं हो सकता। वी कैन नॉट यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स फॉर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज नहीं होते। तो क्या यूज होता है, एक फंक्शन है जिसका नाम है इक्वल्स। सो आप लिख सकते हो a डॉट इक्वल्स b। सो a डॉट इक्वल्स b की स्ट्रिंग a स्ट्रिंग b के इक्वल है या नहीं। इक्वल्स पूरा स्मॉल लेटर्स में आप लिखोगे। a डॉट इक्वल्स b अगर तो है तो ये आपको ट्रू देगा, और अगर नहीं है तो ये आपको फॉल्स देगा। सो इसका रिजल्ट हमेशा एक बूलियन वैल्यू होता है कि या तो आपकी स्ट्रिंग सेम होंगी या नहीं होंगी। अगर स्ट्रिंग सेम है सो वी गेट अ ट्रू, अगर स्ट्रिंग सेम नहीं है वी गेट अ फॉल्स, राइट। ऐसे ही इसमें ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग ये है और मेरी सेकंड स्ट्रिंग ये है तो उसके लिए ये नॉट इक्वल है, क्योंकि केस मैच नहीं करता। इसमें ए कैपिटल है, इसमें ए स्मॉल है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्रिंग्स मैच नहीं करती। तो आपके पास फंक्शन आ जाता है जिसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड इक्वल्स इग्नोर केस। सो इक्वल्स इग्नोर केस में क्या होगा कि अगर आप a डॉट इक्वल्स इग्नोर केस b लिखोगे सो इट विल ऑल्सो गिव यू ट्रू और फॉल्स, बट इसमें केस मैटर नहीं करेगा। इसमें a b c हो सब के सब सेम कंसिडर किए जाएंगे। तो वो सिर्फ कैरेक्टर्स को मैच करेगा, ना कि उनके केसेस को, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, तो सेम है या नहीं उसके लिए तो हमारे पास ये दो फंक्शंस हो गए। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ सेम ही देखना हो, हमें ये भी देखना हो सकता है कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो, और उसके लिए कंपेयर टू नाम का फंक्शन होता है। सो कंपेयर टू फंक्शन का सिंटेक्स क्या है कि आप लिखोगे ए डॉट कंपेयर टू, कंपेयर टू का टी कैपिटल होगा। सो यहाँ पर क्या है, जावा यूजेस कैमल केस फॉर द नेम ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कैमल केस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वर्ड is small, second word onwards हर word का पहला letter capital होता है, first letter of each word is capital, this is called camel case। ठीक है, सो कंपेयर टू में कंपेयर पूरा स्मॉल आएगा, टू का टी कैपिटल होगा। सो ए डॉट कंपेयर टू, और ये ट्रू फॉल्स नहीं देता, ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर तो इसने जीरो रिटर्न किया मतलब ए और बी दोनों स्ट्रिंग्स सेम है। ठीक है, सो ए डॉट कंपेयर टू बी, इफ इट रिटर्न्स जीरो दैट मींस स्ट्रिंग्स आर सेम। इफ इट रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग ए एस का वैल्यू में स्ट्रिंग बी से बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एस का वैल्यू। ऑल्दो जावा में यूनिकोड यूज होता है पर इंग्लिश अल्फाबेट का सेम ही होता है। नेगेटिव में ए इज लेस देन बी। ठीक है, इसमें भी बाय डिफॉल्ट केसेस में डिफरेंशिएट करेगा, स्मॉल ए कैपिटल ए में फर्क होगा। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि इसमें कैपिटल ए बड़ा माना जाएगा, सॉरी स्मॉल ए बड़ा माना जाएगा, कैपिटल ए छोटा। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए की स्काई वैल्यू है 97 which is much greater than the sky value of capital A that is 65। So अगर ये कंपैरिजन करके देगा तो वो कहेगा ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है। ठीक है, बट एनी हाउ अगर आप केस मैच नहीं करना चाहते हो तो इसका नाम हो जाएगा कंपेयर टू इग्नोर केस, मतलब कंपेयर फिर टू, टू का टी कैपिटल, इग्नोर का आई कैपिटल, केस का सी कैपिटल। सो ए डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, सो दैट विल बी द कमांड टू मैच द स्ट्रिंग्स जहां पर केस को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, एक और फंक्शन होता है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता बट आपको पता होना चाहिए। सो दैट फंक्शन इज नेम्ड एज रीजन मैचेस, हार्डली यू यूज इट, बट ये यूज तब होता है जब आपको दोनों स्ट्रिंग्स पूरी पूरी कंपेयर नहीं करानी, वो फर्स्ट स्ट्रिंग का कुछ पार्ट दूसरी स्ट्रिंग के कुछ पार्ट के साथ कंपेयर कराना। सो यू जस्ट नीड टू कंपेयर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स नॉट द कंप्लीट स्ट्रिंग। तो वहां पर हम रीजन मैचेस यूज कर सकते हैं। इसमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है, हम लिखेंगे ए डॉट रीजन मैचेस, तो जैसे रीजन मैचेस है वैसे ही रीजन मैचेस इग्नोर केस भी है। ठीक है, इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप बताओगे स्टार्टिंग पोजीशन, सॉरी इसमें आप बताओगे पहले दूसरी स्ट्रिंग किसके साथ कंपेयर करना है, फिर आप बताओगे स्टार्टिंग पोजीशन एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी कंपेयर्ड। सो कितने कैरेक्टर्स हमको कंपेयर करने हैं। सो वो इस पोजीशन से शुरू करके इतने कैरेक्टर्स कंपेयर करेगा और फिर बता देगा कि वो मैच करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस अवेलेबल फॉर कंपैरिजन। सो लेट्स चेक कि ये कैसे यूज हो सकते हैं। एक बहुत ही टिपिकल प्रोग्राम होता है हमारे पास, हर लैंग्वेज में बनाते हैं हम, टू चेक इफ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, सो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं वो कैसे कर सकते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग का रिवर्स निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग का रिवर्स कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव अ फंक्शन डिफाइंड फॉर दैट। तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, नेम, और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम ही दे दिया मैंने rev, और ये लूप मुझे अभी नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा rev इज इक्वल टू नेम डॉट रिवर्स, इसमें नहीं, ओके, सो इट्स नॉट गिविंग अस, ये वर्जन टू वर्जन आपके फंक्शंस थोड़े चेंज भी हो जाते हैं। सो अब अगर मेरे पास रिवर्स नहीं आ रहा तो क्या करूं, आई वांट टू गेट द रिवर्स, तो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास ऐसे रिवर्स नहीं आ रहा है तो आपके पास अलग तरीका है रिवर्स निकाल पाने का, और वो क्या होगा कि आपने जो रिवर्स वाली स्ट्रिंग है उसको इनिशियली ब्लैंक ले लिया, खाली है, स्पेस भी नहीं दिया मैंने। ठीक है, और ये जो लूप है इसके अंदर अब मैं क्या कर दूंगी, ये लूप मेरा चल रहा है शुरू से लेकर एंड तक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिवर्स इज इक्वल टू आई प्लस रिवर्स। ठीक है, अब ये इससे लिखने से देखो होगा क्या, आपने लिखा रिवर्स इज इक्वल टू आई प्लस रिवर्स। अब अगर आपने इनपुट किया होता हेलो, ठीक है, आई की जगह मैं इसको भी चेंज करूंगी, इट शुड बी नेम डॉट कैर एट आई प्लस रिवर्स। तो पहले आई कहाँ है, जीरो पे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एच, एच प्लस ब्लैंक इज एच ओनली, फिर ये वन हो जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ई। तो अब आप क्या कर रहे हो, ई प्लस रिवर्स, अब रिवर्स में एच है तो ये बन जाएगा ई एच। अगली बार हमारे पास टू पे एल आ जाएगा, वो इसके आगे कंकैटिनेट हो गया, फिर थ्री, वो भी इसके आगे कंकैटिनेट हो गया, फोर, वो भी इसके आगे कंकैटिनेट हो गया। तो जब ये लूप खत्म होगा तो आपके पास इसमें रिवर्स आ जाएगा। अब ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि पैलिंड्रोम वो होता है जिसका रिवर्स अपनी स्ट्रिंग के सेम आए। तो अगर मेरे पास मैडम होता तो जीरो पोजीशन पे एम आ जाता, वन इसके आगे कंकैटिनेट, टू इसके आगे, थ्री इसके आगे, फोर इसके आगे। और अब हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं, तो स्ट्रिंग सेम होती, और स्ट्रिंग सेम होती तो वो पैलिंड्रोम है, और अगर नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। सो यहाँ पर मैंने ये दे दिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने चेक करा लिया कि इफ, अब इसमें एक चीज देखोगे आप कभी, अगर आप गलती से ये लिख भी देते हो ना इफ नेम इज इक्वल टू रेफ, तो एरर नहीं आएगा आपको, रादर वो क्या करेगा, हमेशा शो करेगा कि स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब ऐसा क्यों करेगा सोचो, आप कुछ भी एंटर कर लो, इसका आउटपुट हमेशा एक ही आएगा, दैट इज स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। इसको मैंने रन किया, मैंने यहाँ पर इनपुट किया मैडम, सो स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, जबकि वो पैलिंड्रोम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इक्वल टू है ये कंपेयर कर रहा है, लेकिन किसको, नेम में पड़े हुए एड्रेस को रिवर्स में पड़े हुए एड्रेस के साथ, और वो दोनों स्ट्रिंग का एड्रेस डिफरेंट है। सो इट्स कंपेयरिंग द एड्रेसेस नॉट द वैल्यू। तो सिंस वो एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा है, वैल्यूज को नहीं, इस वजह से आपका जो आंसर है वो फॉल्स आ रहा था। अब हमने इसको रन किया, अब मैंने यहाँ पर इनपुट किया करण, तो ये क्या दिखा रहा है, नॉट अ पैलिंड्रोम, आना भी यही चाहिए था, ठीक है। मैंने फिर से रन किया, मैंने एंटर किया मैडम, बट नाउ इट इज अ पैलिंड्रोम। तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी इनपुट करोगे जो कि पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो वो दिखाएगा इट्स अ पैलिंड्रोम, लाइक नितिन इज अ पैलिंड्रोम। लेकिन अगर आप कुछ भी इनपुट करोगे जो रिवर्स के सेम नहीं है, सो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। सो इक्वल्स की हेल्प से आपको स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, डबल इक्वल टू के साइन से नहीं कर सकते, करेंगे तो एरर नहीं आएगा लेकिन रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगा सकते, उसकी जगह पर कंपेयर टू की हेल्प से चेक कर सकते हो वेदर वन स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन अनदर स्ट्रिंग और नॉट। इज दैट क्लियर? Now we have a function जिसकी हेल्प से हम एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को सर्च करके देख सकते हैं। So if you want to see कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कहीं पर है या नहीं है, so वो आप पता लगा सकते हो with the help of a function called index of. So name of the function is index of. O capital है, तो हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे dot index of, और यहाँ पर जो आपको सर्च करनी है उसका नाम लिखोगे। So अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है this is a pen, और आप यहाँ पर लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए डॉट इंडेक्स ऑफ इज। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इज, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा टू। क्यों? क्योंकि उसकी पहली अकरेंस उसको यहाँ पे मिल गई। सो दिस इज अ पेन, सो फर्स्ट अकरेंस इज ओवर हियर, तो आप आई एस को सर्च कर रहे थे वो यहाँ पे मिल गया, और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन टू है, that's why it will give you two. So index of का मतलब है कि सर्च करो कि आपका जो ये वाली स्ट्रिंग है ये आपकी मेन स्ट्रिंग में किस पोजीशन पर आती है। इन केस नॉट फाउंड, इट रिटर्न्स -1। तो अगर नहीं मिलता तो ये -1 रिटर्न करता है, और अगर मिल जाता है तो फर्स्ट अकरेंस जहां पे है। सो इफ फाउंड इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस, तो जहां पर भी वो पहली बार अपीयर हो रहा है वो उसकी पोजीशन बताता है। सो इट फाइंड्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence, ठीक है। हम इसमें आगे की पोजीशंस भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालते हैं that I'll show you, but this is how we write it, ठीक है। ये होता है इंडेक्स ऑफ। फिर एक सबस्ट्रिंग होता है, पर सबस्ट्रिंग पे जाने से पहले थोड़ा इंडेक्स ऑफ के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आपको, फिर हम सबस्ट्रिंग देखेंगे। सो ये मैं अभी यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। I'm going to remove this, so ये हम यहाँ नहीं ले रहे हैं अब। आप यहाँ पे इसको कमेंट भी बना सकते थे या हटा भी सकते हो। सो मैंने यहाँ पर क्या लिया, स्ट्रिंग str is equal to this is a sample text, this is स्ट्रिंग, कुछ भी, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इस को आपको सर्च करना है कि इस कहाँ पे मिल रहा है, तो इस को आपको सर्च करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पर लूप लगा लिया, या पहले मैं नॉर्मली प्रिंट करके दिखा देती हूँ आपको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एसटीआर डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर मैंने दे दी इज, ठीक है। इसको हमने रन किया तो वो बताएगा कि इज कौन सी पोजीशन पर है। तो उसने क्या दिखाया, 2, यहाँ देख रहे, इट इज शोइंग 2, ठीक है। अब जैसे इंडेक्स ऑफ है वैसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ भी होता है। अगर आप लास्ट इंडेक्स ऑफ को एग्जीक्यूट करते हो तो वो आपको पीछे से इज कहाँ मिल रहा है उसकी पोजीशन बताएगा। तो पीछे से जो इज है वो यहाँ आ रहा है, और इसकी पोजीशन क्या आ रही है, 28। तो पीछे से जो इज है वो 28 पोजीशन पर आ रहा है मेरे पास। सो यहाँ पर 28 शो हो रहा है। तो इंडेक्स ऑफ स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दिस साइड, लास्ट इंडेक्स ऑफ स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दिस साइड। आपकी काउंटिंग 0 1 2 3 4 वैसे ही चल रही है, बस वो सर्चिंग जो है वो पीछे से हो रही है। तो इसकी पोजीशन 28 बनती है, तो वो 28 ही आएगी, ठीक है। सो दो फंक्शंस क्या हो गए, एक हो गया इंडेक्स ऑफ, एक हो गया लास्ट इंडेक्स ऑफ। देखो इसमें तो हमें सिर्फ पहली पहली अकरेंस पता चल रही है। इंडेक्स ऑफ से शुरू में जो पहली बार आ रहा है वो पता चल जाता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में पीछे जो पहली बार आ रहा है वो पता चल जाता है ना। बट आई वॉन्ट कि जितनी बार भी आ रहा है मुझे उसकी सारी पोजीशंस प्रिंट करानी है, आई वांट टू गेट एवरीवेयर इट इज फाउंड, ठीक है। तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ का एक स्पेशल सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स ये है कि आप उसमें शुरू कहाँ से करना चाहते हो सर्च, वो भी बता दो। तो मैंने क्या किया, मुझे पहली बार तो सर्च करना ही है, तो जब हमें पहली बार तो एक काम करना ही होता है, वहां पे बेस्ट लूप होता है आपका डू वाइल। तो मैंने एक p ले लिया जो कि इनिशियली 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, इज कॉमा पी, दैट मीन्स वो 0 पोजीशन से सर्च करना शुरू करेगा और उसको जहां पे भी मिलेगा वो पोजीशन दे देगा। अब वो पोजीशन जो वो देगा, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं पी में असाइन करा दूं दोबारा और फिर प्रिंट कराऊं रादर देन डायरेक्टली प्रिंटिंग। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये। तो अब उसने क्या किया, 0 पोजीशन से शुरू किया, इज उसको कहाँ मिला, 2 पे, तो पी में 2 आ गया। उसने यहाँ पर 2 प्रिंट करा दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रिंट करा दिया, और फिर मैंने यहाँ p को ++ कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया, while p is not equal to 0। क्यों लगाया 0, कि अगर मान लो वो ना मिला होता, है ना, अगर ना मिला होता तो p में -1 आता। वैसे तो आपको ये लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही ब्रेक करवा सकते हो, अदरवाइज ये 0 को प्रिंट करेगा। सो वी कैन चेक ओवर हियर कि इफ P is equal to -1, we should not कंटिन्यू द लूप, लूप यहीं पे रुक जाए। अगर कंटिन्यू होगा तभी तो पी को प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा कि आप एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग की जितनी बार भी अक्रेंस है वो सबको प्रिंट कर देगा। जैसे ये पहले 2 पे मिला, फिर 5 पे मिला, फिर 25 पे मिला और फिर 28 पे मिला। तो ये तो मैंने स्ट्रिंग अपनी मर्जी से ली है दोनों, और ये यूजर से भी पूछ सकते हो। सो यूजर जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। सो ये तो हो गया आपका इंडेक्स ऑफ कैसे यूज होता है। इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन जो और भी बता रही हूँ वो है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग यूज होता है व्हेन यू हैव अ स्ट्रिंग और आपको स्ट्रिंग का कुछ पार्ट फेच करके दिखाना है। जस्ट सम पार्ट यू हैव टू फेच एंड यू हैव टू शो इट। तो सबस्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है कि आप सबस्ट्रिंग लिखोगे, आप स्टार्टिंग पोजीशन बताते हो कहाँ से कैरेक्टर्स फेच करने शुरू करने हैं और एंडिंग पोजीशन बताते हो कहाँ तक फेच करने हैं। वी टेल अ स्टार्टिंग पोजीशन, वी टेल अ एंडिंग पोजीशन, और वो स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक के आपके सारे लेटर्स जो है वो शो करके दिखाता है। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, आई थिंक इट विल बी अ नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर यू टू वर्क। तो अभी इतने की प्रैक्टिस करो, सबस्ट्रिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में। सो सबस्ट्रिंग विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उससे पहले आप ये प्रोग्राम्स ट्राई करोगे। पैलिंड्रोम तो हमने कर लिया, उसको आप खुद से बना के देखना। एक बनाना टू इनपुट स्ट्रिंग and count the number of vowels. Count number of vowels in a string. और second हो जाएगा to input two strings and print all occurrences of second string in the first string. So ये आप कल तक करना। Tomorrow we'll have a class और कल की क्लास में हम करेंगे कि इसके और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि केस चेंज करने के लिए होता है टू लोअर केस, अपर केस, सबस्ट्रिंग एंड अ फ्यू मोर फंक्शंस लाइक स्प्लिट एंड ऑल. So we will be discussing that tomorrow and then I'll give you further more questions to work on strings. But तब तक के लिए आप इन questions की प्रैक्टिस करना और अपने जो मैंने कराए हैं वो सेम बनाकर देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे यूज होगा, राइट?